बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। स्वामी प्रसाद ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंककर सत्ता हासिल की थी, सरकार बनाई थी। दलित और पिछड़े और मलाई खाए अगड़े 5% लोग मलाई खाए, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वहीं स्वामी बोले कि अब ये लड़ाई 80-20 की नहीं 85-15 की लड़ाई है। आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80-20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15-85 का। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है।